वेलकम दोस्तों, सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कानून की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज बात करते हैं, आज शुरुआत करते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों उस लेटेस्ट वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों बात करते हैं, कौन सी दूसरी शादी अपराध नहीं हो सकती, दूसरी शादी करना अपराध नहीं हो सकती, कब नहीं हो सकती, इस वीडियो में आप देखोगे। अगर किसी व्यक्ति ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली तो अपराध होगी निश्चित। अगर किसी व्यक्ति ने एक शादीशुदा जिंदगी होते हुए अगर दूसरी लड़की से शादी करता है तो वो भी अपराध होगी, क्योंकि वह लड़की जिससे को छोड़ के दूसरी से शादी की है, वह दूसरी जो लड़की है वो उसके खिलाफ 494 का केस फाइल करेगी। अगर 494 का केस फाइल करती है तो उसे 7 साल की सजा का प्रावधान है, इसलिए वह दूसरी शादी वैध नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो में केवल इतना समझाना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर दूसरी शादी करना चाहता है तो वह पहले तलाक ले। अगर तलाक बिना दूसरी शादी करता है तो 494 का दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ 494 मुकदमा दर्ज होगा और उसे 7 साल की सजा से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दूसरी शादी कब अपराध नहीं होगी, मेरा जो थंबनेल बनाया मैं इस आधार में बनाया कि दूसरी शादी कब अपराध नहीं होगी। अगर आपने कोर्ट द्वारा तलाक लिया है तो दूसरी शादी करना या कर लेते हो तो वह अपराध नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी किसी व्यक्ति के साथ शादीशुदा हो, अगर आपके अनबन हो, आप दोनों व्यक्तियों ने लड़का लड़की ने अगर कोर्ट से तलाक ले लिया है तो आप दूसरी शादी कर सकते हो, वह अपराध नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी कोर्ट से तलाक ले चुके हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तलाक नहीं लेते हो और दूसरी शादी करते हो तो आप अपराधी हो सकते हो, अपराध हो सकती है। इसलिए मैं इस वीडियो में ये कहना चाहता हूं, अगर आपने मान लो किसी के साथ शादी कर लेते हो, पहले की पत्नी से तलाक ले लेते हो तो वह अपराध नहीं होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको इस वीडियो में और जानकारी चाहते हो, आप इस वीडियो से संतुष्ट नहीं हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो।